ये बेचारे कुत्ते रोड के ऊपर आके ना इस तरीके से ना कुचले जाते हैं यार। ये देखो बेचारा ऐसे ही कुचला गया है और अभी इसकी ना बॉडी बिल्कुल ठीक है। कोई ट्रक वगैरह इसके ऊपर से निकलेगा ना तो बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसकी बॉडी को जरा साइड पे कर देते हैं। मेरी ना जस्ट अभी पीछे नज़र गई, अभी जस्ट एक्चुअली मैं मेरे को बैक करके जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा बैक करके जाऊंगा, थोड़ा सा बैक इस करके जाऊंगा बिकॉज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार। अपने को ना यार पता नहीं क्यों, ये देखो अपनी तरफ से तो बेचारे देख के चलते होते हैं बट फिर भी ना जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं तो कई बारी ना ये बेचारे कुत्ते रोड के ऊपर आके ना इस तरीके से ना कुचले जाते हैं यार। ये देखो ये बेचारा ऐसे ही कुचला गया है और अभी इसकी ना बॉडी बिल्कुल ठीक है। कोई ट्रक वगैरह इसके ऊपर से निकलेगा ना तो बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसकी बॉडी को ज़रा साइड पर कर देते हैं। वाहेगुरु जी माफ़ करना मैनू, बाकी देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट आके अपनी तरफ से ना उस डॉग को साइड पर किया सो देट कि उसकी बॉडी कुचली ना जाए। अपने को ना यार स्ट्रीट डॉग से ना बहुत ज़्यादा वाला प्यार है तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा ही लगता है कि अगर कभी भी आपको ना रोड पे इस तरीके से जानवर अगर कभी मरे हुए दिख जाए ना तो कोशिश किया करो कि उनको उठा के ना साइड पे कर दिया करो। मतलब मैं तो कर देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको ठीक लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। ओह वाहेगुरु यदि आत्मा नु शांति बख्शी। बाकी चलते हैं हम आगे। ये सारी चीज़ें देख के ना पता नहीं क्यों मेरा भी ना थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो जाता है। अपने को ना पता नहीं, अब मैंने उस डॉग को उठा के ना साइड पर रखा ही है, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने ना यार ये बहुत सही वाला काम करा है ऐसा मेरे को फील होता है। बट यार फिर भी इन बेचारों के साथ यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं कि यार आप ना रोड पर ना थोड़ा सा ना देख के चलो, थोड़ा सा आराम से चलो, मतलब आप एक उस स्पीड पर चलो कि सो दैट कि कोई सामने आ जाए ना यार तो आप ढंग से ना ब्रेक लगा सको और सामने वाले को भी मतलब कोई हार्म ना हो और पीछे से भी कोई अगर आ रहा हो ना तो वो भी अपनी ब्रेक लगा सके। तभी तो कहते हैं कि रोड पे ना थोड़ा सा कंट्रोल स्पीड पे चलो सो दैट कि यार मतलब ऐसे वाले काम ही ना हो। ता क्या है कि लोग ज़्यादातर गाड़ी अपनी बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह या जो भी है वो फुल स्पीड पे चला रहे होते हैं ऐसी रोड्स के ऊपर और जब सामने कोई आ जाता है, अब ये तो बेचारा जानवर था ये तो गया, इसकी जगह पर कोई इंसान वगैरह होता है तो फिर यार जो बंदा हिट करता है उसके लिए भी दिक्कत और जिसको लगती है उसके लिए भी दिक्कत। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि कितने बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी बाइकों से एक्सीडेंट्स होते हैं कि उसके बाद ना यार जिसका एक्सीडेंट होता है उनकी फैमिली का भी बंदा चला जाता है और जो एक्सीडेंट करता है उनकी फैमिली और उसको भी बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है। जैसे अभी एक लास्ट इंसिडेंट हुआ था नेपाल के अंदर, कहीं ना बंदे के दिमाग में ना यही चीज़ लेकर आती है कि आप जब भी रोड पे चलो ना थोड़े से ना रिस्पॉन्सिबल होकर चलो सो देट कि यार तुम्हारी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों और सामने वाली की लाइफ में भी ना यार ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। बाइक पे ना ट्रैवल करने का ना बस एक यही नुकसान होता है कि भैया जहाँ पे ना ये ऐसी वाली रोड जाती है ना यहाँ पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा वाली उड़ती है। और अभी ना वैसे मैंने हेलमेट पहना हुआ है तो चलो उससे मेरा फेस कवर है बट स्टिल यार मिट्टी मिट्टी फिर भी ना मुँह के अंदर आती है कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये तो है नहीं कि मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती है हेलमेट पहनने के बाद बट कहीं ना कहीं से तो आती है। हम लोग जब गाड़ी वगैरह पे होते हैं ना फिर ऐसे वाला ना कोई पंगा नहीं होता। बाकी ये जो ऑफ रोड है ना ये पीछे काफ़ी देर से चल रहा है तो यार उस टाइम पे ना मेरे को फील हो रहा था, मतलब अभी मेरे को ये चीज़ फील हो रही है कि अपनी जो बाइक है ना ये वैसे बड़ी सही बाइक है, बिल्कुल भी मतलब ना कोई झटके नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंफर्टेबल सीट है, बड़े सही वाले इसके ना सस्पेंशन है तो मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं बोलूँ ना कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ऐसा नहीं है, मेरी बाइक बड़ी सही तरीके से आराम से ना चलती हुई जा रही है। ओहो छल्ली मिल रही है भाई, यहाँ पे ना धूल मिट्टी वाला काम ना होता ना तो मैं रुक जाता, रुक के ना ये छल्ली खाता यार। बट चलो कोई नहीं, जरा पहले ये वाला गंदा वाला ना रास्ता क्रॉस कर ले और फिर उसके बाद ना कुछ खाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मेरे को चलते हुए और भूख लग रही है। अब मन कर रहा है कुछ या तो गरम गरम पी लूँ या फिर लस्सी लुस्सी पी लूँ। वैसे सच्ची बताऊँ ना गर्मी की वजह से ना मन कर रहा है लस्सी पीने का बट फिर दूसरी तरफ से ना ओहो ओहो बट दूसरी तरफ से ना फिर अरे यार ये पानी क्यों इतना उछल रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, साइड पर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से मन कर रहा है नहीं नहीं यार कॉफ़ी पीते हैं हॉट कॉफ़ी, तो देखते हैं क्या पियेंगे, है ना जी।
आज ना गूगल मैप मेरे को पता नहीं कौन कौन से ना खेतों के बीच बीच में से निकाल के ना लेकर आया इस रोड के ऊपर, और बड़ी अलग अलग जगहों से। बाकी देखो यार ये जो रोड है ना, मतलब ये जो जगह है इसके ऊपर बाइक ना ऐसे वाली मैंने पहले कभी ना लोड करके चढ़ाई नहीं है, तो आज मैं पहली बार ये ना बाइक ना ऊपर चढ़ाऊँगा और देख रहा हूँ कि भाई कहाँ से चढ़ाऊँ कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ना डर लग रहा है इसके ऊपर ना बाइक को चढ़ाने में, तो थोड़ा सा ना ज़ोर से चढ़ानी पड़ेगी कहीं गिर ही ना जाए बाइक अपनी, थोड़ा सा ना ऐसे वाला भी फील है, थोड़ा सा डर लगता है। ओहो पता नहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि ना ये ज़्यादा ही थोड़ी सी ना सीधी सी है और अपने को ना डर लग रहा है कि मैं पता नहीं चढ़ा पाऊँ या ना चढ़ा पाऊँ, भाई गिर ही जाऊँगा मैं नहीं चढ़ा पाऊँगा मैं नहीं चढ़ा पाऊँगा मेरे को ऐसा लग रहा है। पीछे की साइड पे चलते हैं, यहाँ से ना मैं पंगा नहीं लूँगा क्योंकि ना मेरी बाइक ना ऑलरेडी बहुत भारी है, तो मैं पंगा नहीं लूँगा, पता लगे कि मैं गिर जाऊँ, और गिर गया तो बाइक टूट फूट जाएगी भाई। थोड़ा सा ना स्पीड से लेकर आता फिर तो चली जाती, बट मैं पंगा नहीं ले रहा भाई। लो जी लो इधर से निकल लेते हैं। सर दिल्ली के लिए रास्ता ठीक है ये? दिल्ली के लिए दिल्ली आएगी आपको ये रास्ता ठीक है? हाँ जी अगला पुल आएगा उसमें थोड़ा सा रेलवे क्रॉसिंग थोड़ा सा घूमना पर पहुंच जाओगे सही। अच्छा जी थोड़ा सा ऊपर नीचे होना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो इससे चला जाऊँ क्या? ज़्यादा बेटर है ये, ज़्यादा बेटर है, ट्रैफिक की तो झेलना पड़ेगा। कितना ट्रैफिक होगा यहाँ से? ज़्यादा नहीं है बस फाट थोड़ा बहुत, चलो यहीं से चला जाता है, बंद कर रखा कंजेस्टेड है, काम चल रहा कई जगह। अच्छा जी माले फिर उधर परेशान हो जाओ फायदा नहीं, रहने देते हैं, सही बात है यार, इधर से चलते हैं, अपना फालतू का पंगा वंगा नहीं लेते हैं भाई, पता लगे आगे जाके ना कहीं ऐसे ही लेनी देनी हो जाए, क्योंकि आगे आगे ना रोड ख़राब है, तो ख़राब रोड पे ना मेरा भी जाने का ना कोई सीन नहीं है। वैसे मेरे साथ ना गूगल हर बार ही ऐसे ही करता है, बहुत ज़्यादा ना मेरे को घुमाता फिराता है, सही रास्ते से ना लेके नहीं जाता, जब भी कहीं लेके जाएगा ना घुमा फिरा के ना टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही लेके जाएगा। 30 वाला बना दे, पर बना ताजा। क्या बनाओगे? गन्ने का जूस 30 वाला हैं डाल दे। गन्ने के जूस के अंदर ना जो नींबू और जो अदरक का स्वाद आता है ना यार, उससे ना गन्ने का जूस का ना मज़ा ही अलग हो जाता है, और जो थोड़ा सा जब ठंडा ठंडा होता है ना तो और ज़्यादा अंदर ना ठंडक मिलती है शरीर को। वैसे देखो मुझे बहुत मज़ा आया यार गन्ने का जूस पी के, हर किसी को वैसे अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को लगता है कि यार नहीं ये अच्छा नहीं होता या ये थोड़ा सा गंदगी से बनता है, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ठीक है, बट अपने को ना यार गन्ने का जूस बहुत सही लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना हम पीते रहते हैं मज़ा आता है यार क्या करें। और वैसे भी जब बंदा ऐसे हाईवे पे होता है ना और बाइक राइड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ना उसको ना ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ जी बहुत मज़ा आता है यार पिया करो। ये ट्रैफिक देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम फाइनली दिल्ली वापस आ गए हैं, अभी दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, बट ये दिल्ली के बाहर का ही ट्रैफिक है, बट ये दिल्ली की पहचान है जी, पहचान है, जब आपको ये ट्रैफिक मिल जाए ना दिल्ली जब जा रहे हो रास्ते में समझ लेना दिल्ली शुरू है, दिल्ली दूर नहीं है। हाँ जी तो ऑलमोस्ट देखो अभी तो वैसे मेरा घर यहाँ से 43 मिनट्स दूर है, 24 किलोमीटर्स की भी और ड्राइव है, बट ट्रैफिक है यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं है, आराम आराम से हम घर पहुँचेंगे और उसके बाद ना जाके रेस्ट वगैरह करेंगे, एंड उसके बाद फिर ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर दोबारा से ना ब्लॉग बनाएंगे और फिर उसको एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे, और देखो ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट इस प्रोसेस के अंदर ना मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तो आप भी अपनी तरफ से ना यार कोई कमी मत छोड़ना, कमी मत छोड़ना का मतलब कि प्यार देना सपोर्ट करना, लव यू है जी आपको मेरी तरफ से, और आप भी हमारे को ना लव यू टू कर देना जी ठीक है, वीडियो को लाइक करके। हाँ जी जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट करते रहो, जो लोग जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं ना चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं जैसे भी हैं जितने भी हैं, अपने को ना बहुत खुशी है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, शुक्राना है वाहिगुरु का, शुक्राना है बहुत शुक्राना है वाहिगुरु का कि बाबा जी ने ना मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। हाँ जी तो वाहिगुरु तेरा शुक्र है,
बाकी हम ऑलमोस्ट दिल्ली वापस आ चुके हैं, गर्मी सॉलिड वाली लग रही है, ब्लॉग बनाया नहीं जा रहा और हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट का भी प्रेशर पड़ रहा है सिर पे, बट क्या करें क्या करें क्या करें, है ना, कुछ कर नहीं सकते। माइंड में फिर यही आता है कि यार अभी ना अब 2-3 महीने ना अब गाड़ी पे घूमेंगे, बाइक पे नहीं घूमेंगे, क्योंकि मैं कोई प्रो राइडर नहीं हूँ जी, मैं तो बेसिक सा एक आम सा इंसान हूँ, तो अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करता हूँ, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर मैं जा नहीं पाता यार। हाँ जी, बाकी बाइक हमारे को चलाना पसंद है, इस करके हम बाइक पर भी ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि बाइक मेरे लिए एक एडवेंचर है। हाँ जी चलो यार ठीक है, चलते हैं घर की तरफ। एक चीज़ मेरे को ना दिल्ली के अंदर बड़ी सही लगती है कि जब आप दिल्ली के अंदर आते हो ना, चाहे आप किसी भी कॉर्नर से आ जाओ, आपको दिल्ली के अंदर ना काफ़ी सारी जगहों पे ना इंडियन फ्लैग, ये वाला हमारा ना, इस तरीके से ना आपको दिखेगा ही दिखेगा, और जो बहुत सही लगता है हवा के अंदर लहराता हुआ। ये दिल्ली की बेसिकली एक अलग से ही पहचान है कि दिल्ली के ना ये बहुत, मतलब हर एरिया में ही लगा हुआ है, मैं कहूँगा जहाँ पर दिल्ली के अंदर ये इंडियन फ्लैग्स नहीं लगे हुए, तो बढ़िया है बढ़िया है। बाकी ना देखो मेरे को ना देहरादून से दिल्ली आने में कितना टाइम लग गया, एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने 6:30 बजे के आसपास मैंने वहाँ से ना राइड स्टार्ट करी थी, और यहाँ पर ना अभी 11:15 हो गए हैं। दिल्ली के अंदर मैं 11 बजे के आसपास एंटर हो गया था, है ना, 4.5 घंटे लग गए एक अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ना देहरादून से दिल्ली आने में बाय बाइक। हाँ जी, और नॉन स्टॉप चलाई है मैंने, बीच में ना मैं रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुका, जस्ट एक गन्ने का जूस पीने के लिए रुका था, उसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं रुका, बस भगाई जा रहा हूँ भगाई जा रहा हूँ भगाई जा रहा हूँ। दिमाग में एक ही चीज़ है कि बस अब घर पहुँचूँगा, घर जाके ना फटाफट से कपड़े वगैरह उतारूँगा, नहाऊँगा और उसके बाद सो जाऊँगा, और आज ना मैं सारा दिन सोने वाला हूँ, आज मैं और कुछ नहीं करूँगा। जब से ट्रैवल पर गया हूँ ना तब से ना ढंग की नींद ली नहीं है, क्योंकि दिमाग में यही होता था कि फटाफट से वीडियो बनाओ और फटाफट से डालो, सो दैट कि हम लेट ना हो जाए किसी से, और बहुत ही सिस्टम से ना, मतलब अपने को वो भी क्या कहते हैं, बहुत ही सिस्टम से अपने को ना वीडियोस वगैरह भी अपलोड करनी पड़ती थी, क्योंकि पहाड़ों में नेट ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है। बट चलो जो भी है, ऑल एंड ऑल अपने को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और कि कैसे क्या करना है। जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आते हैं, तो अपना ये वाला ट्रिप भी ना अपने को, इस वाले ट्रिप ने भी ना काफ़ी कुछ सिखा दिया अपने को। गाइस एक ये चेक करो हमारे सामने, ये जो बाइक वाले भैया ना प्रो राइडर है, प्रो राइडर है ना, चेक कर रहे हो बाइक कैसे चला रहा है ये बंदा भाई वो कहते हैं ना जिसकी औकात साइकिल की होगी उसको तुम हवाई जहाज पकड़ा दोगे तो फिर वो ऐसे ही करेगा, और इनकी वजह से ना फिर एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, और मतलब ये खुद तो प्रॉब्लम में आते ही आते हैं, साथ के साथ ना दूसरे को भी प्रॉब्लम में लेकर आते हैं। वो देखो कैसे कट मारता हुआ जा रहा है भाई साहब, बैठा भी टांगे चोरी करके आया फाइनली जी फाइनली घर पहुंच के ना बड़ा सही लग रहा है, बाकी रैप रूप फट गया है तो अब ना इसको हटा के अब कुछ और करेंगे, ठीक है। बट हमारी बाइक घर वापस आ गई है और इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कि रैप पता नहीं कैसे अपने आप ही फट गया गर्मी की वजह से। चलो बाकी अब इसकी वॉशिंग वॉशिंग कराएंगे और इसका रैप चेंज करेंगे। अब आ जा मेरा बेटा, ये देखो ये हमारा डोगू है, ये स्ट्रीट डॉग है, और मैं जैसे घर आया हूँ ना मेरे से मिलने आ गया। ऐसी जी तो बचा है जिंदगी है।